पाकिस्तान से आई सीमा सचिन के प्यार में कुछ इस तरह पागल हैं कि ना उन्हें अब गलत की समझ है और ना ही सही की। सचिन सीमा से जो कहते हैं सीमा उसे मान लेती हैं। सचिन सीमा की लव स्टोरी की शुरुआत काफी उठापटक से हुई थी, जिसमें पैचअप है, ब्रेकअप है और फिर पैचअप है। सीमा और सचिन की मुलाकात पबजी खेलते दौरान जरूर हुई, लेकिन इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट था। सीमा जहां अपने आसपास की लोकेलिटी में मौजूद लड़कों के साथ पबजी खेलती, तो वहीं सचिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस दौरान पबजी खेलते थे। एक दिन सचिन की गर्लफ्रेंड उसके साथ ऑनलाइन पबजी खेलने के लिए कुछ कारणवश नहीं जुड़ पाई। तभी ऑनलाइन कोई प्लेयर खोजते सचिन को पाकिस्तान से एक लड़की का रिक्वेस्ट आया, जिसमें लिखा था सिर्फ सीमा। सचिन को लगा कि ये सीमा उसी के घर के आसपास रहती कोई लड़की होगी जो उसके साथ अब पबजी में दो दो हाथ करना चाहती है। सीमा का रिक्वेस्ट देखकर सचिन की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इस गेम में सीमा ने बाजी मार ली और सचिन को हरा दिया। सचिन को हारता देख सीमा ने धीरे धीरे सचिन को अपने बारे में बताना शुरू किया, जिसकी वजह से सचिन का ध्यान गेम छोड़कर सीमा की बातों पर अटक गया। सीमा ने अपने बारे में सचिन को सब कुछ सच बताया, जिसे सुनकर सचिन पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर सचिन सीमा की बातों पर यकीन करने लगा और दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बन बैठा। सचिन हर दिन सीमा के पबजी गेम पर रिक्वेस्ट का वेट करता। सचिन को सीमा की बातें काफी आकर्षित करती थी और सीमा बच्चों की देखरेख के बाद घर की साफ सफाई को जल्दी निपटाकर सचिन के साथ पबजी खेलने के लिए तुरंत ऑनलाइन आ जाती। इसी बीच सचिन का उसकी प्रेमिका के साथ अनबन शुरू हो गया। सचिन की प्रेमिका सचिन से उसके साथ टाइम स्पेंड और बाहर चलने को कहती, तो सचिन उसकी बातों को टाल देता और उससे बात करना बंद कर देता। एक दिन सचिन की प्रेमिका को सचिन और पाकिस्तानी सीमा की दोस्ती के बारे में मालूम पड़ा, जिसके बाद दोनों के बीच काफी अनबन हुई। सचिन की प्रेमिका ने सचिन को धमकी दे डाली कि मैं या फिर सीमा, तुम्हें चुनना होगा। सचिन तब तक सीमा से उस तरह का प्यार नहीं करता था जैसा अब करता है, वो तो बस सीमा से दोस्ती चाहता था। फिर सचिन की गर्लफ्रेंड सचिन को छोड़ के चले गई, उसने सचिन को डम कर दिया, जिससे सचिन का दिल टूट गया। उस वक्त सीमा ने सचिन का साथ दिया, उसके दिल का हाल जाना और सचिन को बहुत समझाया। धीरे धीरे सचिन की सीमा से नजदीकियां बढ़ी और दोनों करीब आने लगे। उस दौरान एक बार फिर से सचिन की लाइफ में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई। ये सुनने के बाद पाकिस्तान में रह रही सीमा को इस बात से धक्का लगा। सीमा को लगा कि शायद सचिन की प्रेमिका सचिन को सीमा से छीन लेगी और सचिन सीमा से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये सब देखकर सीमा मायूस हो गई, उसका दिल टूट गया। दिल टूटने की वजह से सीमा ने अपना सारा स्ट्रेस अपनी कलाइयों में निकालना शुरू कर दिया। सीमा सचिन और उसकी प्रेमिका का गुस्सा अपनी कलाइयों पर निकालती और ब्लेड से अपनी कलाई काटती। एक दिन सीमा ने सचिन को अपनी कटी कलाइयों की तस्वीर भेज दी, जिसमें सीमा के हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी। ये सब देखने के बाद सचिन को बड़ा झटका लगा, उसे समझ आया कि वो गलत कर रहा है। और फिर सचिन ने सीमा से नेपाल में मिलने का प्लान बनाया और कहा कि एक बार मिल लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सीमा ने सचिन की बात मानी, दोनों मिले एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज भी दोनों के बीच नोकझोंक जरूर होती है, लेकिन दोनों के बीच अब किसी दूसरे की जगह नहीं है। दोनों अब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन चुके हैं।